देख रहे हैं जनमल की दुकान न्यूज। हिंदुस्तान के अंदर कार डीलर होना मैं समझता हूं अपने आप के अंदर एक बड़ी बात होती है, क्योंकि इस देश के जो कुछ प्रतिशत अमीर लोग हैं वो आपसे सीधे सीधे संपर्क में होते हैं। कोई भी शहर है या कोई भी गांव है, उसका यदि साधन संपन्न कोई व्यक्ति है तो वो इस एसोसिएशन के मेंबर्स की सीधी सीधी अप्रोच के अंदर मैं समझता हूँ जरूर आता है। तो सही मायने के अंदर आपका संबंध हिंदुस्तान के क्रीम से रहता है। और आज सब जहां पर आप इस पंडाल में एकत्रित हुए, अगर आप लोग चाहें तो इस देश को एक अलग दिशा भी दे सकते हैं, क्योंकि जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं वो समाज को ऊंचा उठाने के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कई इम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उद्योग लगाते हैं, संस्थाएं चलाते हैं, और उनके माध्यम से जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचता है। आप एक अच्छे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो दुनिया के बड़ी से बड़ी कंपनीज का अगर मैं बात करूँ, गूगल जैसी कंपनी की बात करूँ, तो सबसे पहले समाज की भलाई की जब बात करते हैं तो पैसा खुद ब खुद पीछे आता है। जितनी बढ़िया सर्विसेज की बात करते हैं लोग खुद ब खुद जुड़ते चले जाते हैं। आप बढ़िया से बढ़िया शहरों के अंदर बढ़िया से बढ़िया जगह लेकर बैठे हुए हैं। कार डीलर्स, मैंने कहा कि हिंदुस्तान के बढ़िया से बढ़िया क्रीम कार डील करते हैं। एक अच्छे व्यवसाय के अंदर ये सारे एसोसिएशन के मेंबर जुड़े हुए हैं। किसी भी व्यवसाय को अगर आगे बढ़ना है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उसका हिस्सा निकाल के समाज के जो अभावग्रस्त लोग हैं उनको उसके अंदर जोड़ लेंगे तो इनके व्यापार के अंदर और वृद्धि होगी, क्योंकि उनकी जो दुआएं हैं वो जो धनवान लोग हैं जो कार खरीदते हैं और कार बेचते हैं उनके वेल्थ के अंदर, उनकी सेहत के अंदर, उनके दिमाग के अंदर, उनकी तरक्की के अंदर और दुआएं शामिल होंगी तो और तरक्की करेंगे। मैं यही कहता हूं कि ये जहां इस बिजनेस के अंदर जुड़े हैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा परोपकार भी करते रहे। 17 साल हो गए संस्था के बारे में। संस्था अच्छी है, संस्था ने आज बहुत बड़ा फंक्शन किया है, पूरे हिंदुस्तान से लोग बुलाए हैं और यूनिटी के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। ये सब मिलकर जो हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको और अधिक ताकतवर बना सकते हैं, क्योंकि ये अगर तरक्की करेगी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग तरक्की करेंगे तो हिंदुस्तान खुद ब खुद तरक्की करेगा। धन्यवाद। सुशील साहब, एक सवाल है, इन लोगों का कहना है कि जीएसटी की मार इनके धंधे पर ऐसी पड़ी है कि बंद करने की कगार पर है, आपका क्या मानना है? देखिए, इस देश के अंदर जब आर्थिक नीति बनती है तो दुर्भाग्य की बात है कि सरकार कोई भी रही हो उसके अंदर व्यापारियों की सलाह नहीं ली जाती। आज की वर्तमान सरकार के अंदर भी ये हालात है, जब पहले नोटबंदी का दौर चला, अब जीएसटी का दौर चला और उसके अंदर ऐसी पॉलिसी जब बनती है, मैं समझता हूँ कि विभिन्न एसोसिएशंस का पार्टिसिपेशन उस नीति से संबंध होना चाहिए कि कितनी ड्यूटीज के ऊपर लगना है, कितने परसेंट जीएसटी होना चाहिए, और अगर उस सलाह को लेंगे तो हिंदुस्तान का व्यापार आगे बढ़ेगा। दुर्भाग्य की बात है कि आज हिंदुस्तान का व्यापार कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जा रहा है, इसके अंदर सरकार को विचार करना चाहिए। आप देख रहे हैं जनमल की दुकान न्यूज।